सब गाइस वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूं एक कंप्लीट रिव्यू इस प्रोडक्ट का जो कि है Redmi Earbud S। तो गाइस इसका रिव्यू जो है ना मुझे बहुत पहले डाल देना था, एक्चुअली मैं 14th ऑफ जून को ही मुझे इसका रिव्यू डाल देना था, लेकिन Amazon की डिलीवरी सर्विस, आप में से कुछ लोगों को पता होगी, वर्स्ट डिलीवरी सर्विस है, उसकी वजह से जो है ना इतनी लेट हो गई। एनीवेज गाइस ये वीडियो Amazon से रिलेटेड तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप में से किस किस को Amazon की डिलीवरी सर्विस ने परेशान किया मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे गाइस इस प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर देता हूं और उसके बाद में मैं बात करूंगा प्रोडक्ट के बारे में, वो भी इन डिटेल। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है Redmi Earbud S का बॉक्स, और यहाँ पर आप सामने की तरफ देखेंगे तो Redmi Earbuds नाम दिख जाएगा, प्लस इसके कुछ फीचर्स दिख जाएंगे। IPX4 स्वेट एंड स्प्लैश प्रूफ है, 12 आवर्स की जो है ना प्लेबैक टाइम देता है, प्लस वॉइस असिस्टेंट पे भी जो है ना ये काम करता है। और यहाँ पर आपको दिख जाएगा इसका Redmi Earbuds का फ़ोटो, जो काफ़ी शाइनी फ़ोटो है, मस्त एकदम। साइड में देखो आपको यहाँ पर फिर से दिख जाएगा लिखा हुआ Redmi Earbuds, यस यहाँ पर भी आपको दिखेगा Redmi Earbuds। बैक साइड में जो है ना आपको Redmi की मतलब मी की सील दिख जाती है, और सॉरी डाउन में, और बैक साइड में जो है ना आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, बारकोड स्कैनर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गाइस ये तो हो गई बॉक्स की कंटेंट, अब बॉक्स की हालत देखो क्या हो रही है। मतलब ये है Amazon की डिलीवरी सर्विस, किस हालत में देखो ये लोग ने डिलीवर किया मेरे को। एनीवेज फटाफट से जो है ना गाइस मैं इसको यहाँ से फाड़ता हूँ और इसको अनबॉक्स करता हूँ। बॉक्स के अंदर यहाँ पर आपको फिलहाल तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब ऑब्वियसली इसमें कंटेंट निकले हैं, मैं आपको ऐसे शौक दे रहा था। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको कुछ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयरबड्स मिले हैं इसमें, इसको मैं हटा देता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये जो है ना मेन प्रोडक्ट है जो हमें मिला है इसमें, और उसके बाद में साथ में इसमें जो एक कंटेंट मिला है और वो ये है इसका यूज़र मैनुअल, तो जिसको हम जो है ना कभी नहीं पढ़ते, लेकिन इसमें जो है ना आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। साइड में रखता हूँ इन सब चीज़ों को। सबसे पहले दोस्तों बात करूँगा मैं फिर अपने इस प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए आपको एक और सील मिल जाती है जिसमें लिखा हुआ है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई, ऑब्वियसली प्रोडक्ट फॉर्म है और अच्छे तरीके से जो है ना इसको पैक किया गया है। तो फटाफट से पहले तो मैं ये सील हटा देता हूँ यहाँ से, सब सील हटाने में बड़ा मज़ा आता है सही में। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का लगता है ये बॉक्स, और इसमें जो है ना ऊपर सबसे पहले आपको दिख जाएगी Redmi की ब्रांडिंग। यहाँ पर जो है ना आपको देखने के लिए मिलेगा नॉर्मल USB पोर्ट, और बैक साइड में डाउन साइड में जो है ना वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जहाँ पर सबसे पहले तो Redmi Earbud S की ब्रांडिंग दिखती है, उसके बाद में फिर आपको दिखेगा ब्लूटूथ का आइकन और दूसरी इन्फॉर्मेशन इसमें कुछ दिखेगी। और इसको जैसे ही ओपन करता हूँ तो फिर देखिए बॉक्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पर रखे हुए हैं हमारे Earbuds, इसको मैं फटाक से जो है ना वो निकालता हूँ बाहर। ओके तो ये गाइस बहुत ही लाइट वेट है, इसको मैं ऐसे बाहर निकालूंगा तो बहुत ही लाइट वेट है गाइस, मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि मेरे हाथ में जो है ना Earbuds है। और बेस्ट पार्ट इसकी ये है, अब यहाँ पर अगर आप देख सकते हो इसमें आपको वॉइस फ़िल्टर मिलता है, तो वो वॉइस फ़िल्टर जो है ना एक्चुअली में बहुत अच्छा होता है आपकी लिसनिंग स्किल्स को, मतलब आपके लिसनिंग एक्सपीरियंस को और ज़बरदस्त कर देता है। तो फटाफट जो है ना मैं इसका ऊपर से देखो ये कवर निकालता हूँ। ओके तो गाइस इसमें टैपिंग फीचर भी आपको मिलता है। तो गाइस ये तो थी इसकी अनबॉक्सिंग, सबसे पहले बात करूंगा मैं प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास में है इसका पूरा केस, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूंगा तो पूरा प्लास्टिक फिनिश है, तो आप उसको ऐसा हाथ लगाएंगे तो बहुत ही ग्लॉसी फिनिश आता है, और आप जब उसको हाथ में कैरी करेंगे तो वो भी जो है एकदम प्रीमियम फील आपको देता है। और बैक साइड में दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया इसमें आपको एक ही पोर्ट मिलता है बस, वो भी इसको चार्ज करने के लिए। फटाफट से चलता हूँ गाइस फिर मैं Earbuds के ऊपर। एक्चुअली में जब भी आप कोई भी नया Earbud परचेस करने जाएंगे तो सबसे पहले आप ये जरूर देखेंगे कि उसका वेट कितना है, बहुत ही लाइट वेट होना चाहिए। और यहाँ पर गाइस केस के साथ में इसका वेट जो है ना मेरे को बिल्कुल भी जो है ना हल्का लग रहा है, बिल्कुल भी ज़्यादा वेट नहीं लग रहा है, क्योंकि Earbuds का वेट अगर हैवी होगा तो आपको लॉन्ग लिसनिंग के लिए भी अपने आपके कान को जो है ना वो बहुत नुकसान पहुँचाता है, लेकिन यहाँ पर केस के साथ में इतना हल्का लग रहा है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो Earbuds का वेट है ये बहुत ही लाइट वेट है गाइस, अगर आप इसको हाथ में लेंगे तो ट्रस्ट में आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसका वेट कितना है, और अगर आप इसको अपने ईयर्स में प्लेस कर देंगे
तो वहां पर आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि आपके कान में जो ना ईयरबड्स लगे हुए हैं, अनलेस एंड अनटिल वो कान को जो ना पूरा घेर लेते हैं, तो उसकी वजह से आपको एहसास होगा कि हाँ ये है। साथ ही में दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि इसके जो ये ईयरबड्स है इसमें जो है ना आपको बताया जा रहा है कि टैपिंग फीचर है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मुझे एक ड्रॉबैक इसमें ये लगा है कि इसमें एक्चुअल में ये टैपिंग फीचर नहीं है, बल्कि इसमें आपको बटन को प्रेस करना होगा तब जाके जो ना ये एक्टिवेट होता है, मतलब तब आप इसको यूज़ कर पाओगे। एक्टिवेट नहीं, एक्टिवेट तो आप बॉक्स से बाहर निकालोगे तो एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन अगर आपको इसकी फंक्शंस को यूज़ करना है, लाइक डबल टैप करोगे तो वॉइस असिस्टेंट आता है, फिर कॉल रिसीव करना है, तो एक्चुअल में यहाँ पर उसका बटन है। तो अभी आप इसमें देख रहे होंगे कि मुझे जो है ना इसके बटन को जो है ना वो प्रेस करना पड़ रहा है हार्ड, तब जाके जो है ना ये जो है ना यूज़ हो रहा है। और वहीं पर अगर आपके ये ईयर्स में लगा हुआ है और वो टाइम पे अगर आप बटन को हार्ड प्रेस करते हो तो गाइस वो कहीं ना कहीं पर बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि आपको बहुत हार्डली प्रेस करना पड़ता है, ऐसे आपका कान भी जो ना पूरा हिल जाता है। जिस तरीके से आप कान में इसको ऐसे फिक्स कर देते हो तो वहाँ से भी जो ना दोस्तों इसकी पोजिशन पूरी हिल जाती है, तो ये चीज़ का जैसे मुझे एक ड्रॉबैक लगा है। इसमें एक्चुअल में टैपिंग फीचर होना चाहिए था, ना कि पूरा बटन प्रेस करने का। तो यहाँ पर गाइज मैंने इस ईयरबड में ये चीज़ देखी कि जब इसको हम कान में फिक्स कर देते हैं अपने, तो वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाता है। और इससे क्या होता है दोस्तों कि आप ज़्यादातर जितना भी हिलते डुलते हैं तो उसमें जो है ना वो आपका ईयरबड्स इधर से उधर हिलता डुलता नहीं है। वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपने देखा होगा गाइज कि मैं लाइट वर्कआउट कर रहा था, हाँ वो ऑब्वियसली कोई मैंने कोई 1000 dips नहीं मारे थे। गाइस उसमें भी क्या होता है कि ये जो है ना ईयरबड्स आपके कान में से हिलता डुलता नहीं है, तो वहाँ पर भी जो है ना आपको बार बार ईयरबड्स को संभालने की और देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। गाइस बात करूँगा सबसे मेन एक्सपेक्ट के बारे में, जो किसी भी ईयरबड का की फीचर होना चाहिए, वो है इसकी वॉइस क्वालिटी। इस वॉइस क्वालिटी जो है ना इस ईयरबड्स की मुझे बहुत ही जबरदस्त लगी, मतलब मैं शॉक्ड हो गया यार इसकी वॉइस क्वालिटी को सुन के। इसकी वॉइस क्वालिटी और मुझे इसका बेस साउंड इतना अच्छा लगा कि मैंने कंटिन्यू 15-20 minutes तक सुनता ही रहा। फाइनली गाइस मैं आपसे बात करूंगा आप अपने ओपिनियन के बारे में, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने दो स्टेजेस में अपने ओपिनियन रखे हैं, दो कैटेगरीज में रखे हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ इसका प्रोस, और इसके प्रोस ये है दोस्तों कि इसमें आपको लाइट वेट मिलता है, मतलब ऑब्वियसली जैसे मैंने आपसे वीडियो में कहा कि आपको इतना ज़्यादा जो ना हैवी वेट नहीं मिलता, तो आपके कान को जो ना इसमें अच्छा खासा आराम होगा। और जो दूसरी और बेस्ट चीज़ है वो है इसकी वॉइस क्वालिटी, जिसने मुझे स्टन कर दिया। मैंने उम्मीद नहीं की थी गाइस कि इतने प्राइस में इतनी अच्छी वॉइस क्वालिटी मिलेगी, तो वहाँ पर तो डैम अमेजिंग। गाइस बात करूंगा कॉन्स की, तो यहाँ पर दोस्तों मुझे सिर्फ एक ही चीज़ में इसमें ड्रॉबैक लगा है। मैंने जब भी अपने मोबाइल में इसको कनेक्ट किया तो वहाँ पर बीच में बार बार जो है ना दोस्तों ये ब्रेक हो रहा था, मतलब जब आप ईयरबड्स को अपने मोबाइल से कनेक्ट करके सुनते हैं तो उसके बीच में जो है ना वो किस तरीके से डिस्टर्बिंग होता है, बार बार जो है ना वो डिस्कनेक्ट होता है और वॉइस जो है ना वो आपको अटक अटक के आती है, तो उस हिसाब से दोस्तों हो रहा था। लेकिन ये हो भी सकता है दोस्तों मेरे मोबाइल का भी एक्चुअल में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेरा मोबाइल भी जो है ना वो बहुत पुराना हो गया, वीवो V9 स्टार्टिंग में हुआ था, उसके बाद में जो ना फिर ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब सही होता जा रहा था, सुधरता जा रहा था। गाइस ओवरऑल अगर मैं अपना रिव्यू दूंगा इसमें, तो ये जो है ना गाइस बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, क्योंकि जिस प्राइस में आपको ये मिल रहा है और जितने फीचर्स आपको इसमें मिल रहे हैं, स्पेशली जो इसकी साउंड क्वालिटी है, इसकी साउंड क्वालिटी ने दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है, क्योंकि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी इसकी इतनी अच्छी साउंड क्वालिटी होने की। लेकिन जिस प्राइस में आपको ये मिला है, मतलब 1799 टोटल 1800 में आपको मिला है, वो भी 2000 के नीचे, तो इस हिसाब से इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बेसिक यूज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और ऑब्वियसली आप इस प्रोडक्ट से जो है ना वो निराश नहीं होंगे, आप इसकी साउंड क्वालिटी से निराश नहीं होंगे। अगर आपको रिव्यू सही लगा है, अगर आप परचेस करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको परचेजिंग लिंक दे के रखा हूँ, अमेजोन का डायरेक्ट लिंक है, आप वहाँ पर क्लिक करके इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। और अगर आपने मन बना ही लिया परचेस करने का, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसी लिंक से परचेस कीजिए, क्योंकि आपके भाई का भी जो ना थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा उसमें। तो चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक पे क्लिक कीजिए अभी के अभी, और गाइस जितना हो सके उतना हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ जो है ना हम आपके पास में लाते रहें, मतलब ऑनेस्ट रिव्यू वाले ओपिनियंस जो है ना वो हम आपके पास में लाते रहें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑल पे रखिए, जिस तरीके से आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट में दिख रहा है। तो चलिए गाइस मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।